इस पार्ट में हम कुछ इम्पॉर्टेंट स्केलर प्रोडक्ट्स देखेंगे जो फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं। उनमें से पहला नाम आता है आई डॉट जे, आई और जे का स्केलर प्रोडक्ट। अब डेफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं आई और जे का स्केलर प्रोडक्ट? डेफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं कि जो ए डॉट बी होता है आपका, ए डॉट बी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। वो एक्यूट एंगल हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है, ठीक है, तो 0 से 180 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। तो आई डॉट जे दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ आई, दैट मीन्स आई की लेंथ, जे की लेंथ एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के लिए हम लोग देखते हैं जो आई है आपका, आई यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन को इंडिकेट करता है टुअर्ड द एक्स एक्सिस। मतलब हम जो आई हमारा होगा दैट इज़ अ यूनिट वेक्टर एलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ये आपका आई हो गया। और फिर जे जो आपका है, जे इज़ अ यूनिट वेक्टर एलॉन्ग द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो क्लियर है कि ये दोनों ही एक्सिस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब थीटा क्या हो गया, दैट इज 90 डिग्री, या हम रेडियन में बोलें तो पाई बाय 2 रेडियन होगा। तो आई और जे के बीच का एंगल, दैट मीन्स जो ए और बी के बीच का एंगल है, वो पाई बाय 2 हो गया। अब जो आई है आपका यूनिट वेक्टर है, तो फ्रॉम डेफिनेशन इसकी जो लेंथ होगी वो 1 होगी। जो जे भी आपका यूनिट वेक्टर है, इसकी भी लेंथ 1 होगी, बट कॉस 90 आपका 0 होता है। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल प्रोडक्ट 0 हो गया। तो हमारे पास आई डॉट जे 0 हो गया, क्योंकि ये दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर्स थे, नॉन जीरो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स थे, तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 0 होना ही था। इन जनरल हम लोग क्या कह सकते हैं, कोई भी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। लाइक अगर हम अनदर पेयर की बात करें, आई और के की बात करें, आई डॉट के, तो आई डॉट के भी, आई और के जो आई है वो आपका एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है, ये आई आपका एक्स एक्सिस की तरफ है यूनिट वेक्टर, और जो के आपका होगा वो जेड एक्सिस की तरफ होगा। ये दोनों वेक्टर भी आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है, ये दोनों वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल है, दैट मीन्स इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट आपका 0 होगा। सिमिलरली हम आई और जे और के की बात कर सकते हैं, जे डॉट के, जे और के लिए देखें तो जो जे है आपका वो यूनिट वेक्टर एलॉन्ग द वाई एक्सिस है, दैट इज़ अ यूनिट वेक्टर एलॉन्ग द वाई एक्सिस, ये आपका जे हो गया। और जो आपका अनदर वेक्टर के है वो यूनिट वेक्टर एलॉन्ग द जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। तो चूंकि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनके बीच का एंगल, मतलब आई और जे के बीच का एंगल भी 90 डिग्री हो गया। मतलब आई और जे ये दोनों वेक्टर भी ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर होंगे, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो हम लोगों ने अब तक देखा आई डॉट जे जो ऑर्थोगोनल वेक्टर थे वो, उनका प्रोडक्ट 0 था। अब हम सेल्फ प्रोडक्ट देखेंगे ए डॉट
ए, लेट अस कंसीडर ए डॉट ए, ए डॉट ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द बोथ ए, दैट मीन्स सेम वेक्टर खुद से कितना एंगल बनाएंगे, सिंपल सी बात है, ज़ीरो डिग्री एंगल बनाएंगे, तो कॉस ऑफ ज़ीरो डिग्री। तो ये चीज़ क्या लिखा जा सकता है, मॉड ऑफ ए का, मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, वन हो जाएगी। तो दैट दैट मीन्स वेक्टर ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये भी एक तरीका लिखने का है। जब भी वेक्टर ए का होल स्क्वायर लिखा हो तो आप समझो कि ए का सेल्फ प्रोडक्ट लिखा हुआ है, मतलब ए डॉट ए लिखा हुआ है, दैट इज़ इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, या फिर सिंपली ए का होल स्क्वायर, ठीक है। हम वेक्टर ड्रॉप कर देंगे, वेक्टर ड्रॉप करने का मतलब होता है ओनली स्मॉल ए लिखा हुआ है, इसका मतलब वो वेक्टर ए की लेंथ है या मॉड ऑफ ए है। तो ये जो चारों रिजल्ट हैं ये सेम होते हैं एक तरह से, इनमें से कोई भी आपको यूज़ करना पड़ सकता है या आपके सामने आ सकता है। तो अब हम इनको यूज़ करते हैं आगे, और आई जे के इनके हम लोग सेल्फ प्रोडक्ट देखते हैं क्या है। तो लेट अस कंसीडर आई डॉट आई, अब ऊपर से हमें पता है कि जो ए डॉट ए है वो ए का स्क्वायर है, मतलब मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, तो यहाँ आई डॉट आई क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आई का होल स्क्वायर, और आई हमारा यूनिट वेक्टर है तो उसकी लेंथ वन हो जाएगी, वन का स्क्वायर, दैट इज वन। सिमिलरली जे डॉट जे जो वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर है, तो दैट इज आल्सो मॉड ऑफ जे का होल स्क्वायर, ये भी यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग द वाई एक्सिस, तो वन का होल स्क्वायर, दैट इज वन। के डॉट के, के डॉट के जो है यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग द जेड एक्सिस, ठीक है, और ये भी यूनिट वेक्टर है, तो मॉड ऑफ के डॉट के मतलब मॉड ऑफ के का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ के का होल स्क्वायर दैट मीन्स वन का स्क्वायर, दैट इज वन, ठीक। तो ये जो छः रिजल्ट हैं हमारे, तीन ऑर्थोगोनल हो गए, आई जे, आई के और जे के, मतलब ये पेयर्स परपेंडिकुलर हो गए, और बाकी इनका प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। जो बाकी आपके हैं आई डॉट आई सेल्फ प्रोडक्ट, जे डॉट जे, के डॉट के, ये वन होता है, ठीक है। तो ये छह रिजल्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होंगे फ्यूचर में।